Good morning, guys. Good morning, Gino. Good morning. Yeah, morning view. हमारे रूम का और ये शानदार चीनी सो रही है वहाँ पे. चीनी कैसा व्यू है ये रूम सबका व्यू. सभी लोग उठेंगे. उठो भाई उठो सब लोग उठो. तो बज चुके हैं घड़ी में 11:30 बज चुके हैं. 10 बजे बज चुका है और अभी लोकेशन को छोड़ने का अलविदा बोलने का आ गया है वक्त. अभी हो चुका है जाने के लिए अगले डेस्टिनेशन पे. अब यहाँ से जाएंगे एम टी फॉल जो भी है वहाँ पे जाएंगे और फिर वहाँ से या तो जाएंगे ऋषिकेश डायरेक्ट मुरलीधर जी महाराज जी की कथा चल रही है वहाँ पे या फिर सीधा जयपुर. तो मिलते हैं आपको एम टी फॉल. और ये हमारा रूम था अभी इसकी आदत बढ़ जाता बहुत ही गंदा कर दिया है बच्चों ने सबने. और बाकी रूम अच्छा था. सुविधा की प्रॉपर्टी है सही है. और यहाँ पे मंसूर में बहुत सारी 5-स्टार प्रॉपर्टी है. लेमन ट्री है. मेरिट वगैरह नहीं है. बाकी रिसोर्ट बने हुए हैं सुंदर सुंदर रिसोर्ट. आपको अगर चाहिए अप्रैल और जून जुलाई में अगर आप आते हो तो पीक सीजन है तो बुकिंग करवा के आओ. क्योंकि होटल सुनता नहीं. मैंने भी कल 6-7 जगह गया था अपने कोई भी रिसोर्ट में मुझे रूम अवेलेबल नहीं मिला. फाइनली एक रूम एक ही रूम मिला. इसी में जो सिंगल रूम खाली था वो बोला सर एक ही रूम है इसमें सारे एडजस्ट हो जाओगे क्या. मम्मी थी तो सब लोग हम एक ही रूम में एडजस्ट हो गए. मैं बोल रहा हूँ रूम काफ़ी बड़ा था मतलब और भी 3 लोग होते तो एडजस्ट हो जाते. तो काफ़ी बड़ा रूम था. ये है रूम. यहाँ पे ये पूरा बेड की तरह बना हुआ था. यहाँ पे आराम से 3 लोग सो सकते हैं इतना बड़ा. और सामने व्यू है पूरा बड़ा सारा मिरर. फिर यहाँ पे बेड था तो यहाँ पे भी है. फिर यहाँ पे सोफे लगे हुए थे 3. फिर नीचे यहाँ पे मैट्रेस डलवा दिए थे मैंने 3-4 बोरा मैट्रेस पड़ा हुआ 2 मैट्रेस डलवा दिए थे. तो रूम काफ़ी बड़ा था ठीक ठाक था. सोने में तो जगह तो काफ़ी थी कोई इशू नहीं था. बट अब जाते हैं केम टी फॉल. मिलते हैं केम टी फॉल. तो गाइस फाइनली हम पहुंच चुके हैं केम टी फॉल. ये है केम टी फॉल. सामने झरना बह रहा है. अब जा रहे हैं नीचे. 17 किलोमीटर था मंसूरी से हमारे होटल के रेस्टोरेंट से. आने में लग गया लमसम 1.5 घंटा. बोलो फाइनली हम पहुंचे हैं यहाँ पे. और अब दिखाते हैं आपको केम टी फॉल जाके. ये देखो झरना दिख रहा है यहाँ से. यहाँ से व्यू आ रहा है प्रपने पर नीचे जाके. फिर यहाँ से आते समय व्यू लेंगे इसका. ये है शानदार व्यू शानदार नज़ारे. ओहो अद्भुत. तो गाइस हम लोग उतर चुके हैं फाइनली. फाइनली उतर चुके हैं. यहाँ पे कृष्ण विष्णु शॉपिंग कर रही है. चिली चिली तो ये है केम टी फॉल. अब जाएंगे फॉल वाटर पार्क में नहाने के लिए. ये है केम टी फॉल. हम चले गए जाके एम टी फॉल का रास्ता है. हमें जहाँ से चाय पी के यहीं से नीचे जाना. यहाँ से नीचे यहाँ से चलना है नीचे. हमारा केम टी फॉल पूरा केम टी फॉल की तरफ जा रहे हैं हम. हाँ नीचे का रास्ता है पूरा. और पूरे शॉपिंग के ये बने हुए दुकान गूगल ले लो चादर वगैरह.
पब्लिक बहुत ज़्यादा है, बहुत सारे लोग, बहुत ज़्यादा क्राउड है कैंप बॉल में, मज़ा नहीं आ रहा है। जाएंगे यहाँ से केबल कार से ऊपर, बहुत नीचे है ये, केबल कार लेके ऊपर जाएंगे। केबल कार का टिकट लिया बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, एक सिंगल सीट में 250 रुपये सिर्फ जाने का और आने का, 250 500 रुपये आने जाने का आपका, बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है ये। ऊपर गए क्या? हाँ तुमने कभी इससे अच्छे में बैठे है कि ये तुम्हारे सबसे अच्छे? नहीं नहीं, मतलब सबसे अच्छी केबल कार अभी तक की तुम्हारी है। अब यहाँ से उतारेंगे गाड़ी में और फिर गाड़ी में निकलेंगे। ये हो चुका है देखना जेम्पटी फॉल। अब यहाँ से जाएंगे ऋषिकेश, मिलेंगे आपको ऋषिकेश में। अभी जा रहे गाड़ी के पास, वहाँ से मूली गाजर काकड़ी ले ली है और अभी यहाँ से निकलने का आ गया है वक्त। भैया हम लोग जाके आ चुके हैं कैंपटी फॉल, देख के आ गए हैं। क्राउड था बहुत ही ज्यादा गंदा, तो क्या ही था, स्विमिंग पूल जैसा बना हुआ था, लोग नहा रहे थे, कुछ नहीं बना रहे थे गाइस, कुछ नहीं नहा रहे थे, ये मजाक कर रहे गाइस, ओवर क्राउड की वजह से मजा नहीं आया। इनको क्या नहाना नहीं मिला, इसके लिए इनकी गांड जली हुई है, बाकी कुछ नहीं है। और हम लोग अभी यहाँ से निकल रहे हैं, देखते हैं कहाँ जाता हो प्लान, तो ऋषिकेश से देखते है। ये कैंपटी फॉल का बता दिया, अब आपको बताएंगे क्या क्या बताना बाकी है, जो सब बताएंगे, कोई टेंशन नहीं है। यहाँ पे था फॉल, अब हम लोग निकल रहे हैं, बहुत चढ़ान थी, बहुत नीचे तक जाना पड़ा, वो यहाँ से फॉल दिख रहा होगा आपको, देखिए मैं ऊपर चढ़ गया, बहुत क्राउडेड था, लोग नहा रहे थे, 250 रुपये एक था।